तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रायंगल जो है ओ एन सी में आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे देखें ओ एन सी में जो आई है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल के लिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एम सी एन ये होगा, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है इसमें उसके सामने के जो दोनों एंगल होते हैं उनका एडिशन जो है एक्सटीरियर एंगल होता है, ये हम सबको मालूम है, ठीक। अगर थीटा बहुत कम है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन प्लस ओ एम, एम एन ओवर ओ एम प्लस एन एम ओवर एम सी, ये हो जाएगा। अब सिमिलर ट्रायंगल एन आई सी में हम देखेंगे, ट्रायंगल एन आई सी इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, वो है एन सी एम जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल आर प्लस एंगल एन आई सी इज इक्वल टू एंगल एन सी एम, ये होगा। सो यहाँ पर यही चीज़ है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन सी एम माइनस एंगल एन आई एम, और आर को हम एंगल एन सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन ओवर एम सी माइनस एम एन ओवर एम आई, ये लिख दिया हमने, ऊपर हमने ये इक्वेशन बनाया है टेन का, तो वहाँ से हमने लिया। अब हम जानते हैं स्नेल लॉ इज इक्वल टू एन साइन आई इज इक्वल टू एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये स्नेल लॉ है। अब अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो आई आर बहुत छोटे हैं तो साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर, सो इक्वेशन बनेगा एन आई एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर। अब आई और आर की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू यहाँ से और आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो आई की वैल्यू है एम एन ओवर ओ एम प्लस एन एम ओवर एम सी, और आर की वैल्यू है एम एन ओवर एम सी माइनस एम एन ओवर एम आई, ये आर की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू, दोनों हम यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा, यहाँ पर पुट कर दिया ये इक्वेशन, आप देखें एन वन एम वन एम एन प्लस ओ एम प्लस एम एन ओवर एम 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 एन ओवर ओ एम प्लस एन एम ओवर एम सी इज इक्वल टू एन टू इंटू एम एन ओवर एम सी माइनस एम एन ओवर एम आई, ये है। यहाँ पर देखें इसको एन एम एन और एम सी एम एन ओवर एम सी को एक तरफ लेके आएंगे, तो इस तरह से इक्वेशन हमारा बनेगा, और फाइनली हमारा आएगा एन टू माइनस एन वन ओवर एम सी इज इक्वल टू एन वन ओवर ओ एम प्लस एन टू ओवर एम आई। और यहाँ पर देखें ओ एम जो है, ओ एम क्या है, ओ एम यहाँ पर देखें ओ से लेकर के एम तक की दूरी यू है, और एम से लेकर के और आई तक की दूरी वी है, और एम से लेकर के सी तक की दूरी क्या है, आर है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यू जो है वो नेगेटिव में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और वी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि राइट साइड में है, और आर भी राइट साइड में है इसलिए ये भी पॉजिटिव में होगा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, एन टू माइनस एन वन ओवर आर इज इक्वल टू एन टू ओवर वी माइनस एन वन ओवर यू। अब हम एन अगर कॉमन ले लें दोनों साइड में तो एन टू ओवर एन वन इज इक्वल टू एन हो जाएगा, यानी म्यू ये हमने एज्यूम किया, तो हमारा जो फार्मूला फाइनली आएगा, एक फार्मूला तो ये आ गया एन टू माइनस एन वन ओवर आर इज इक्वल टू एन टू बाई वी माइनस एन वन ओवर यू, और दूसरा फार्मूला आया एन माइनस वन ओवर आर इज इक्वल टू एन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, यानी जो हमने निकाला है रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन का फार्मूला है ये, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज के डिस्टेंस में रिलेशन शो करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थैंक यू।